नमस्कार, संसार क्रांति की टीम इस समय जींद के अंदर मौजूद है। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं लोकतंत्र सुरक्षा मंच के शहरी प्रधान मनीष सैनी व जो जिला उपाध्यक्ष हैं रवि धीमान, और कुछ कार्यकर्ता भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्यतः मनीष जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो लोकतंत्र सुरक्षा मंच है, इसका निर्माण जो किया गया है, क्या मजबूरी रही, क्या कारण रहे, और क्या भूमिका, क्या रणनीति रहेगी लोकतंत्र सुरक्षा मंच की, आप दर्शकों को थोड़ा बताएं। सर, ये जो नई राजनीतिक पार्टियां बनी हुई हैं हमारे समाज में, कोई कांग्रेस है, NLO है, कोई भी है पार्टियां, उन्होंने हमारे युवाओं का यूज़ किया है, उनके कंधों का यूज़ किया है। हमने इस चीज़ की, लोकतंत्र सुरक्षा मंच की स्थापना इसीलिए की है कि हम इन युवाओं का यूज़ होने से रोक सकें और इनके हितों की सुरक्षा कर सकें। तो आपके राजनीतिक आदर्श आप किसको मानते हैं? श्री राजकुमार सैनी जी को मानते हैं हम इसको। तो क्या विशेषता आपको उनके अंदर लगती है? सर, वो यानी कि समाज की हितों की करते हैं, यानी कि समाज की हितों की, जो भी आपको लगता है सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, वो बुराइयों को दूर करने का काम करते हैं। चलिए, तो आने वाले जो अभी जैसे राजनीतिक सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, राजनीतिक सरगर्मियाँ जोरों पर हैं, तो लोकतंत्र सुरक्षा मंच की राजनीतिक भूमिका क्या रहेगी? क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं उस कड़ी में अपनी भूमिका निभा पाएगा लोकतंत्र सुरक्षा मंच? राजनीतिक मायने में किस रूप से आप देखते हैं? जिस प्रकार हमने देखा जींद में हमारी रैली हुई थी, जिसमें जोर जोर से लोगों ने भाग लिया था, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा युवा पहुँचे थे हमारे यहाँ पे, तो जिस तरह लगता है हम युवा इकट्ठे हो चुके हैं, तो हम यह लोकतंत्र सुरक्षा मंच को यानी कामयाब बनाएंगे। और आपको लगता है लोकतंत्र सुरक्षा मंच के माध्यम से जो युवाओं का शोषण अभी तक पिछली जो दूसरी पार्टियाँ आपका मानना करती आ रही थी, कहीं ना कहीं उनका शोषण रुक पाएगा? हाँ जी, ज़रूर रुकेगा। चलिए, ये थे लोकतंत्र सुरक्षा मंच के शहरी प्रधान मनीष सैनी। इनका स्पष्ट रूप से कहना है लोकतंत्र सुरक्षा मंच का निर्माण इन्हीं जो युवाओं का शोषण तमाम पार्टियां करती आ रही थी, उनके कंधों का दुरुपयोग जो करती आ रही थी, उनके कंधे के दुरुपयोग को रोकने के लिए और समानता के अधिकार दिलाने के लिए, युवाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए लोकतंत्र सुरक्षा मंच का निर्माण किया गया है। जींद से संसार क्रांति के लिए करमवीर आर्य।